वेलकम बैक दोस्तों एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। और आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले हमने माइनक्राफ्ट के अंदर फेरिस व्हील बनाया था जो आप लोगों को सच्ची में काफी ज्यादा पसंद आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और राइड बनाई जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं कोलंबस राइड। और सच बताऊं तो मेरे को इसका नाम भी नहीं पता था, मैं तो इसको ड्रैगन वाला झूला बोलता था। वैसे कोलंबस राइड बोलने मजा भी नहीं आ रहा, हम इसको ड्रैगन वाला झूला ही बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक परफेक्ट जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर अपनी राइड बन सकती है। और जब जब मैं मेले में गया हूं ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है, हमेशा फेरिस व्हील के बराबर में होता है अपना ड्रैगन वाला झूला। तो मैं सोच रहा हूं इस जगह बनाएंगे ड्रैगन वाले झूले को। और ये जो पूरा पानी है यहां पूरे पे मैं डर्ट लगा दूंगा, पूरी जगह प्लेन कर दूंगा। और इस सब में काफी यार टाइम लगने वाला है, तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ये जगह प्लेन करने के बाद। A few moments later, फटाफट कमांड डाल के पूरी जगह प्लेन कर देता हूं, किसी को क्या ही पता लगेगी। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आखिरकार मैंने जगह प्लेन कर दी। भाई हाथ दर्द कर रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसे प्लेन करने में। हो थक गया मैं तो। अबे साले। तो चलो यार काफ़ी ज़्यादा बकवास हो चुकी है, अब चालू करते हैं बिल्ड को बनाना। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत और दिमाग लगाने के बाद बोट की डिज़ाइनिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और काफ़ी ठीक लग रही है मेरे को बोट। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कितनी सारी सीट है बैठने के लिए, तो काफ़ी सारे बंदे बैठ सकते हैं इसके अंदर। और काफ़ी कलरफुल भी है अपनी बोट, तो अच्छी लग रही है मेरे को। तो अभी बाकी इसका काफ़ी सारा काम रह रहा है, जैसे कि पिलर बनाने हैं, पूरा मैकेनिज बनाना है। तो चलो मैं वर्क कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और दोस्तों आखिरकार हमारे ड्रैगन वाले झूले की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो देखने के लिए। तो देखो यार ये हमारा ड्रैगन वाला झूला, और देखो कितना कमाल का लग रहा है यार ये। मुझे नहीं पता था भाई मैं इतना बढ़िया बना दूंगा इसे। और मुझे पता है मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट यार मैंने तारीफ वाले काम करे हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार ये। बट अभी इसकी केवल डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुई है, अभी इसके अंदर पूरा मैकेनिक बनाना रह रहा है, इसको पूरा ग्लू से चिपकाना रह रहा है, आई बहुत काम रह रहा है। और मुझे नहीं पता ये चलेगा भी नहीं चलेगा, बट इतना पता है डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो चलो फटाफट से इस पूरे झूले में ग्लू लगाते हैं और उसके बाद इसे मैकेनिक फिट करेंगे और फिर देखेंगे भाई ये कैसे चलता है। ओके अपना ग्लू वाला काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा झूला मैंने ग्लू से चिपका दिया है। अब टाइम है यहाँ पे मैकेनिकल बियरिंग लगाने का और मोटर लगाने का, और फिर देखेंगे अपनी राइड कैसा काम करती है। और मोटर लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर थोड़े से ब्लेजर डाल देते हैं टेस्टिंग के लिए, पता लग जाएगी अगर कोई दिक्कत हुई तो। हमेशा ब्लेजर बलि के बकरे बनते हैं। ओके सारा काम हो चुका है, फटाफट यहाँ पे मोटर लगाते हैं और बूम। व्हाट, अरे यार ये ग्लू ना हमेशा धोखा देती है, पूरी बोट मैंने अच्छे से ग्लू करी है फिर भी कोई ना कोई पार्ट रह जाता है। अब देखना बस ये दो डंडे घूम रहे हैं, क्या करूँगा मैंने घुमा के। ओके मैंने वापस से इस पूरे पार्ट को ग्लू कर दिया है और अब की बार घुमा के देखते हैं सही से घूमना चाहिए बस। और वो ब्लेजर देखो पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे। ओके 1 2 3 हो। ओके और देखो यार क्या बढ़िया लग रहा है घूमते हुए, पर और ऊपर क्यों जा रहा है तू? अरे और ऊपर मत जा, ब्लेजर गिर जाएंगे। और गिर गए भाई, सारे ब्लेजर मर गए गिर के। बट रुको रुको, एक ब्लेजर मेरे को दिखाई दे रहा है, और वो कैसे बैठा है भाई, उसका सर सीट के ऊपर है और पैर नीचे है। अरे यार इसके साथ तो स्कैम हो गया भाई, बहुत गंदा। देखना किस तरीके से बैठा है राइड पे, मज़े आ रहे हैं ब्लेजर। अच्छा है मेले में मैं नहीं जाता राइड को सेटअप करने के लिए, अगर मैं गया होता ना तो कुछ ये हाल होता ड्रैगन वाले झूले का, और जो भी कोई बैठने आता उसकी हालत तो आप सोच ही सकते हो। बट देखो जो भी है अपनी राइड बढ़िया लग रही है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है ड्रैगन गोल गोल घूमते हुए। पर चिंता मत करो हम इसे ठीक करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैं भी इस पर बैठ के मज़े लेना चाहता हूँ। ओके तो ये रही हमारी सीट, बैठते हैं यहाँ पे और देखो अब क्या मज़े आने वाले हैं। अरे अरे स्टीव की कोई गलती दिख रही है, मैं कुछ नहीं देख रहा कुछ नहीं देख रहा। अरे यार ये क्या पोजीशन है ये, सॉरी स्टीव यार मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की, बट क्या करें यार ये एंगल ही ऐसे बन रहा है। तो दोस्तों देखो राइड हो तो ऐसी हो, वरना राइड होनी नहीं चाहिए।
यार मजे आ रहे, कुछ भी कहो। और इस विलेजर को देखो भाई कैसे घूर के देख रहा है, गाली बकरा होगा मेरे को, बोल रहा होगा इस बेवकूफ ने मुझे यहाँ फंसाया, मैं यहाँ से जा भी नहीं पा रहा हूँ। और दोस्तों अब सोचने की बात ये है, हम ऐसा क्या करें झूले के अंदर कि ये पूरा ना घूमे, 360 ना घूम के केवल 45 घूमे, फिर 45 पीछे घूमे, ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग। और मैं ये चीज़ बहुत देर से सोच रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद मेरे को एक चीज़ पता लगी, हमारे पास एक सीक्वेंस गियर शिफ्टर नाम की चीज़ है जो हमारी हेल्प कर सकती है। तो ये है अपना सीक्वेंस गियर शिफ्टर, और इसके पीछे हमें लगानी पड़ती है मोटर, और इसके सामने हम लगाएंगे मैकेनिकल बियरिंग। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेम्परेली मॉडल बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से पूरा काम करने वाला है। तो यहाँ पर हम एक पेंडुलम टाइप चीज़ बना देते हैं, ठीक है। अब इस सीक्वेंस गियर शिफ्टर को चाहिए पावर, पावर के लिए चाहिए रेडस्टोन, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं रेडस्टोन, और रेडस्टोन को एक्टिवेट करेंगे हम बटन से। तो अभी हमें इसके अंदर कमांड डालनी पड़ेगी, एक मिनट पहले हम इसकी स्पीड सेट कर देते हैं 2 की। हमें इसके अंदर कमांड डालनी पड़ेगी, जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारी कमांड है, हमें नीड है टर्न वाली कमांड की, तो यहाँ पे टर्न वाली एक कमांड डली हुई है, और एक और टर्न की कमांड चाहिए हमें, एक ये हो गई। तो दोनों ही 90 डिग्री पे हैं, हमें 90 से हटा के 45 पे करना है, और एक को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, एक फॉरवर्ड की तरफ जाएगा और एक रिवर्स की तरफ जाएगा, और दोनों को सेट कर देते हैं हम 45 डिग्री पे। और अब जब मैं इसको पावर दूंगा ना तो देखना क्या होता है। तो यहाँ से हम बटन दबाते हैं, और उसके बाद देखो, अरे यार मैंने ये ब्लॉक ग्लू से नहीं चिपकाया, बट एक ब्लॉक देखो ये 45 तक गया और फिर वापस मुड़ गया, बट मैं एक बार ग्लू चिपका देता हूँ और उसके बाद हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके ग्लू हो चुका है, अब बटन दबाते हैं, और ये देखो अब ये 45 डिग्री तक जाएगा और फिर वापस से 45 डिग्री पे जाएगा दूसरी साइड। तो यही तो मैं चाहता था। तो बस एक छोटा सा मॉडल आप लोगों को समझाने के लिए बनाया था मैंने, पता नहीं ये वहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा, और अगर अपनी राइड में इसने काम कर दिया ना यार मज़ा आ जाएगा। तो चलो फटाफट से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं राइड के ऊपर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सारी चीज़ सेट हो चुकी है, बस मुझे यहाँ पे एक रेडस्टोन डस्ट लगानी है, और लगा दी मैंने। और ओ भाई ये चीज सच्ची में काम कर रही है, अरे यार अपना झूला क्या कमाल का लग रहा है, देख रहे हो। अरे यार मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इतना मस्त लगेगा ये, यार मजे आ रहे हैं इसको देखने में, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने ये माइनक्राफ्ट के अंदर बनाया है, कितना रियल सा लग रहा है यार ये। कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही बेहतरीन चीज बना देता हूँ। तो देखो अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारी तारीफ चाहिए, तो तारीफ करे बिना तो मेरी जाना मत। तो थोड़ी बहुत फिनिशिंग टच और बची है अपनी राइड की, तो उसको भी मैं कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल फाइनल लुक दिखाता हूँ अपनी राइड का कैसे लगने वाला है। ओके गाइस, सारा का सारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको रिवील कराने के लिए राइड को। तो 1, 2 और 3, तो दोस्तों ये है अपनी राइड का फाइनल लुक, और देखो यार कितनी ज़बरदस्त राइड लग रही है ये। तो चलो दोस्तों हम भी बैठते हैं राइड पे और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है इस राइड का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टिकट काउंटर पे से टिकट लेना पड़ेगा, जो आप लोगों को पता ही है एक फॉर्मेलिटी है। ओके टिकट हमने ले लिया है, आप चलते हैं स्टेयर से ऊपर, जाते हैं यहाँ पर इसकी एंट्री है, तो यहाँ बैठते हैं। ओके राइड चालू हो चुकी है, ऊपर जा रही है भाई, और ऊपर जा रही है, अरे यार क्या कमाल की चीज़ है ये। बनने के बाद मैं पहली बार यहाँ इस पे बैठ रहा हूँ, पहले तब बैठा था जब ये पूरा 360 घूम रहा था, बट अब देखो यार क्या ही मस्त चल रहा है, मजे आ रहे हैं यहाँ बैठ के। अब विलेजर को भी मजे आ रहे होंगे, और देखो यहाँ बैठ के पीछे हमारे फेरिस व्हील भी दिखाई दे रहा है। तो सोचो जब यहाँ पे हम काफी सारी राइड बना देंगे उसके बाद भाई यहाँ का व्यू गजब ही होने वाला है। तो चलो अब चलते हैं इस राइड की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह पे, जो है टॉप वाली जगह, वहां जाके बैठते हैं और वहां का एक्सपीरियंस भी देखते हैं एक बार। ओके मैं यहाँ बैठ चुका हूँ, और यहाँ से यार अपनी बोट देखो कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है, और यार यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है हम कितने ऊपर जा रहे हैं अब, यार कमाल की चीज है ये बिल्कुल। और दोस्तों इस वीडियो में था बस इतना ही, आई होप आपको ये झूला पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके भी दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा उसको बनाने की। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।